नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसे सबको शिक्षा का हक या भोजन का हक है, वैसे ही सबको अच्छे स्वास्थ्य का भी हक है और राजस्थान सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन फिर राजस्थान के तमाम इलाकों में इसे लेकर क्यों ऐसा हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से निजी अस्पताल लोगों को लौटा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में बोझ इतना बढ़ गया है कि इलाज कराना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ही सरकारी अस्पतालों में लाइन लंबी थी। अब आप सोचिए, जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, कोई आप टेस्ट नहीं करा सकते, कोई आप सर्दी जुकाम किसी प्राइवेट क्लिनिक में नहीं दिखा सकते, किसी आप प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, तो आप सरकारी अस्पताल जाएंगे। वहां पहले से ही लाइन लंबी, अब और लंबी। और क्यों? क्योंकि वो स्वास्थ्य के हक का विरोध कर रहे हैं। इस पर आगे खास बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान भर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उनको देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके स्क्रीन पर, ये हैं पूरे प्रदेश भर के प्राइवेट डॉक्टर। ये डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ इन दिनों राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई नाश्ता बना रहा है, कोई सड़क पर धरना दे रहा है, लेकिन अस्पताल में काम नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार ने 21 मार्च को स्वास्थ्य का हक विधेयक राज्यसभा विधानसभा, जो राज्य की जो विधानसभा है, उसमें पास कराया, यानी कि राइट टू हेल्थ। तब से ही राज्य में इसका विरोध हो रहा। 27 मार्च को इस बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, जिसके तहत जयपुर में यह सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। डॉक्टरों की मांग यह है कि राज्य सरकार इस कानून को किसी भी कीमत पर वापस ले, किसी भी कीमत पर। उधर राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे। हाँ, बैठ के बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए कि इसमें क्या बदलना है या क्या तकलीफ है, लेकिन वापस नहीं लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध करने वाले डॉक्टरों से यह कहा है कि वो काम पर लौट जाएं। दरअसल अशोक गहलोत सरकार द्वारा स्वास्थ्य का हक विधेयक विधानसभा में पास कराने के बाद राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं का कानूनी हक हासिल होगा। ये कहीं नहीं है पूरे देश में। अब इसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि चुनाव आ रहा है तो आपने ये एक कानून ले आए, आपकी सरकार तो 5 साल से थी, ये अभी क्यों लाए। इस कानून के खास प्रावधान को पहले ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि खबर के तह में जाएंगे और जब खबरों के तह में जाएंगे तो खबरों से खबर निकलेगी। तो क्या है ये कानून, आइए वो जानते हैं। इस कानून के तहत किसी भी मरीज का पहले पैसे चुकाए बिना आपात इलाज किया जाएगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता था ना कि पहले आप बिल चुकाइए, उसके बाद फिर इतना अमाउंट हो जाए तो इतना चुकाइए, बिल बनता रहेगा, वो चुकाते रहिए, तब इलाज कराते रहिए। ये चीज खत्म इस बिल के हिसाब से। तो फेस वैल्यू पे अगर आप देखें तो बहुत ही गरीबों के हक वाला बिल। निजी अस्पताल में मरीज इलाज के बाद बिल ना चुका पाए तो बिल सरकार भरेगी। यानी कि कोई गरीब है, वो सरकारी लाइन बहुत लंबी है, तो प्राइवेट में जाके दाखिल हो, इलाज कराए, नहीं चुका पा रहा, सरकार भर देगी बिल। ऐसा प्रावधान है। सभी सरकारी और चुने हुए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे। दवा खरीदने या मेडिकल टेस्ट की जगह चुनने का अधिकार होगा। ये नहीं कि अस्पताल कहते मेरे यहाँ ही कराओ, अगर कोई आदमी कहीं और कराना चाहता है तो आप करा लीजिए। सरकारी अस्पताल कोई आपात इलाज न कर पाए तो निजी अस्पतालों को करना होगा। इस एक्ट के हिसाब से सभी अस्पतालों को बड़े अस्पतालों के लिए मुफ्त रेफरल ट्रांसपोर्ट देना होगा। या आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे पास नहीं है, अगर कोई रेफर हो रहा है तो आपको ट्रांसपोर्ट देना होगा। कानून का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों या अस्पताल को ₹25,000 तक का जुर्माना है। इस कानून के तहत किसी को भी आपात इलाज का मुफ्त हक होगा और उसके लिए पहले पैसा नहीं चुकाना। लेकिन आपात इलाज किसे माना जाएगा यह भी इस कानून में बताया गया। सभी दुर्घटनाएं, यानी कि एक्सीडेंट अगर हो जाए तो सभी दुर्घटनाएं आपात इलाज की श्रेणी में आएंगी। इसके अलावा जानवरों से हमला हो जाए वो इस कैटेगरी में आएगा। गर्भधारण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो भी आपात इलाज के दायरे में आएंगी।
बाकी आपात स्थितियां वो होंगी जिन्हें राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अब यहीं से निजी अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को परेशानी शुरू होती है। ये निजी अस्पताल और उनके डॉक्टर इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, आइए वो जान लें। विरोध करने वालों का यह कहना है कि इस कानून के जरिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निजी डॉक्टरों पर डाल रही है। नए कानून में आपात सेवाओं को स्पष्ट रूप से उसका व्याख्या नहीं किया गया। निजी डॉक्टरों का यह कहना है, मेरे लिए कोई चीज इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है अस्पताल के लिए ना हो। अब कुछ चीजें आपने बता जरूर दी हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में कौन बताएगा, क्योंकि हर आदमी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का केस लेकर के आएगा, इतनी डिटेल तो नहीं है इस एक्ट में, ऐसा निजी डॉक्टरों का कहना। निजी डॉक्टर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके आगे लाचार हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। निजी अस्पतालों पर अफसरशाही का दखल बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। कि मतलब भी कोई भी सरकारी बाबू कहेगा कि भाई इसको भर्ती करो, फ्री में इलाज करो, पैसा दे देंगे बाद में। फिर निजी अस्पतालों की सरकार द्वारा भरपाई को लेके पारदर्शिता नहीं है, ऐसा उनका डर है। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले एक राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही थी, तो बहुत सारे निजी डॉक्टरों का ये कहना है कि उसमें हमको रीइंबर्समेंट सरकार से नहीं आया, टाइम पे आता ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो सारे सरकारी सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इलाज कराएं और बाद में उनका भुगतान होगा, सरकार करेगी, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड वो कहते हैं ठीक नहीं है। निजी अस्पतालों को भरपाई का बजट में प्रावधान नहीं है, वो कहते हैं आपने बजट का प्रोविजन ही नहीं बनाया तो फिर आप कैसे हमारी भरपाई करेंगे, हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। निजी अस्पतालों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाए, ये कानून इलाज ना होने पर मरीजों के परिवार को हमले के लिए भड़काता है, ऐसा डॉक्टरों का शक है, ऐसा उनको ये घबराहट है, इस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये तर्क सही है या गलत है, लेकिन ये उनके तर्क है। राजस्थान पहला राज्य है जहां ऐसा कानून पास किया गया है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। ऐसे में इस कानून के अमल की शुरुआत में कई दिक्कतें निश्चित ही आएंगी, जो कि आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली बात तो हड़ताल हो गई, पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवा जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक सवाल ये है कि क्या ये कानून कुछ मौलिक कानूनों का भी उल्लंघन करता है। अब पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक विश्लेषण के मुताबिक ये बिल से स्पष्ट नहीं करता कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने पर कैसे भरपाई कर पाए। ऐसे में यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन हो सकता है, जो किसी को कोई भी पेशा अपनाने, काम और व्यापार करने का अधिकार देता है। बहरहाल ये बहस अभी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच मरीजों की बहुत ही खराब स्थिति है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। निजी अस्पतालों में हड़ताल के कारण काम नहीं हो रहा और सरकारी अस्पतालों पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। मौसमी देवी दिल की मरीज हैं, उन्हें एक सरकारी अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि SMS में रेफर किया गया। गंगापुर गांव की रहने वाली हैं, जयपुर में कोई अपना है ही नहीं उनका और अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पा रहा। सोमवार रात 4 बजे से वो दाखिल होने का इंतजार कर रही है। हमको वहाँ से गंगापुर से रेफर करा गया हुआ, उनने मतलब SMS में भेजा था, उनने सवेरे एक मतलब है नहीं वो ऑक्सीजन लगा के यानी और एक बार वो करके और उनने वहाँ से यहाँ के लिए रेफर कर दिया। तो उनने नहीं ये कहा कि मतलब है नहीं ये नहीं पेशेंट है नहीं मतलब भर्ती नहीं होगा। यही हाल दौसा के खुशबू साहनी का है, वो वहाँ से आई, 14 साल की खुशबू को एक्सरे कराना। उनकी माँ दीप्ति कल भी एक्सरे के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल आई थी, लेकिन नहीं हुआ। मंगलवार को वो फिर आई। मैं एक्सरे के लिए यहाँ आई हूँ आज, पहले भी आई थी, कल भी आई थी। यहाँ माहौल ऐसा ही है, कोई पता नहीं है कब क्या होगा, ना तो कोई ढंग से बात करता है ना कोई ढंग से जवाब देता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्ची सफोकेटेड हो रखी है, इस समय मैं एक्सरे के लिए वेट कर रही हूँ हार्डली आधे घंटे से। बच्ची भी जाके आ चुकी है, मैं भी 3 चक्कर काट चुकी हूँ, अभी भी रिप्लाई मिल रहा है कि आप बैठो हम पहुँचा देंगे। अंदर जाके पूछते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप बैठो हम पहुँचा देंगे। यार पहुँचा दोगे कब पहुँचाओगे, जब पेशेंट को कुछ हो जाएगा तब पहुँचाओगे क्या? तो इस पूरे मामले को बहुत सरलता से समझने अगर आप चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि नेकी करने गए
ये चाहा कि सब लोगों को स्वास्थ्य सेवा दी जाए जो कि दे ही भी जानी चाहिए, लेकिन उसके चलते एक ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल हो गई है, डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या विकल्प है? क्या बात करके कोई हल निकाला जाए, या फिर खास तौर से जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए कानून होता है जिसे कहते हैं एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। एक जरूरी सेवा होती है तो उसके लिए अगर सपोज हड़ताल हो रही है या नहीं आ रहे हैं तो सरकार ये एक्ट लागू कर सकती है। तो क्या ये एक्ट राजस्थान में लागू होगा, क्योंकि अभी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर संजीव गुप्ता हैं IMA राजस्थान के, अंशुल अभिजीत हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राखी राठौड़ जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मैं सबसे पहले डॉक्टर संजीव गुप्ता आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि तकलीफ क्या है डॉक्टर? सर तकलीफ तो ये है कि जो ये RTH बिल आया है ना, ये बिल डॉक्टरों को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं किया गया। प्रारंभ से बताना चाहूंगा मैं कि जब सबसे पहले इस बिल को विभाग की वेबसाइट पर मार्च 2022 में अपलोड किया और राज्य की जनता और सिविल सोसाइटी से आपत्ति और सुझाव मांगे, उन पर अमल नहीं किया और 22 सितंबर को सीधे विधानसभा में पेश कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां पर जब इसका विरोध हुआ विधानसभा में, तो देखिए चाहती तो कांग्रेस सरकार इसको उसी दिन पास कर सकती थी क्योंकि विधानसभा में उनके पास बहुमत था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो संवेदनशील है और वास्तव में स्वास्थ्य के अधिकार की डिलीवरी राज्य की जनता को देना चाहते हैं, उन्होंने इस बिल को डेफर कर दिया प्रवर समिति में। अब प्रवर समिति की मीटिंग ही नहीं हुई काफी दिन तक। अब बिल्कुल जब लास्ट में प्रवर समिति की मीटिंग होने से एक दिन पहले जो राज्य के 55,000 प्राइवेट चिकित्सक हैं उनकी मीटिंग की गई स्वास्थ्य विभाग ने 18 जनवरी को, उस मीटिंग में हमारी बात को नकार दिया गया। यहां पर बिल्कुल ऐसा रवैया था आला अधिकारियों का, उन्होंने राज्य की जितनी भी चिकित्सक यूनियन है, चाहे IMA में हो, GA में हो, उपचार हो, अरिस्दा हो, RMCT हो, सबको नकार दिया और स्थिति ये हो गई कि हमें मजबूरन होकर सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करना पड़ा। इस हड़ताल के बाद 11 फरवरी को प्रवर समिति की मीटिंग हुई। प्रवर समिति की मीटिंग में भी चिकित्सकों का जो हमारा प्रतिनिधि मंडल था वो गया, उनकी बात को भी राज्य के मुख्यमंत्री जी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसाद लाल जी मीणा, उन्होंने कहा हो गई डॉक्टर साहब बात, जाइए आप जाइए जाइए, यानी कि वहां भी अपमानित करके हमारे IMA के अध्यक्ष को भेज दिया गया। इस बात से बहुत बड़ा डेडलॉक हो गया। फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री ने 1-to-1 23 फरवरी को चिकित्सकों की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी 40 मिनट तक मुख्य सचिव की उपस्थिति में हमसे चर्चा की और उन्होंने 23 फरवरी को साथ के जो हमारे मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा जी राज्य की जो मुख्य सचिव हैं उनको निर्देशित किया कि आप जल्दी से जल्दी चिकित्सकों की समस्त समस्याओं को सुनिए और हल निकालिए। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो वास्तव में उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस बात को लाए थे। नहीं, मैं डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहता हूँ। देखिए अभी क्या है कि आप पूरा क्रोनोलॉजी से मुझे सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वास्तविकता पर आ रहा हूँ। आज की डेट में स्थिति ये है कि कौन बिल में कौन बिल से कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा कानून लाया है। आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं राजस्थान की। हमारे साथ डॉक्टर VB सिंह भी हैं, प्रिंसिपल JLN अजमेर के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर सिंह, अभी आपने सुना डॉक्टर संजीव गुप्ता का क्या कहना है। वो बता रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया, हमसे पूछा नहीं गया और इस तरीके की चीज हमारे ऊपर थोप दी। तो आपको लगता है कि एक अच्छा काम कोई करना चाहे और एक देश में पहला ऐसा राज्य राजस्थान बने जहां पर राइट टू हेल्थ हो और उसमें अगर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो हड़ताल कर देंगी, डॉक्टर सड़क पर उतर आएंगे, तो फिर वो लाभ कैसे पहुंचेगा? जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। जी जी जी, थैंक यू संकेत जी, आपने मुझे मौका दिया आज प्राइम टाइम में
कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ जिनके विचार आज सभी हम जानेंगे। मैं डॉक्टर संजीव की बात पे तो बाद में आऊंगा, पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज, आपको भी मालूम होगा कि हमारी कोविड से लेके और आज तक की जो सफर है हमारा, राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी द बेस्ट इन द कंट्री। सर मैं निवेदन करूंगी आज की बात करें, परिवार ऐसे परेशान है बहुत पब्लिक लोग, सर आज की बात करें, पुराना हिस्ट्री नहीं सुनने बैठा सर। राखी जी, बट हम हिस्ट्री सुनने नहीं बैठे, आज के कंडीशन उसके बारे में कमेंट चाहते हैं डॉक्टर साहब से, उसके बारे में कमेंट, परेशान है। एक एक करके प्लीज, इस तरीके से बहस नहीं होगी, इस तरीके से नहीं, एक एक करके। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा डॉक्टर सिंह, नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बात जल्दी से करें, जो सवाल पूछा गया अगर आप उसका जवाब दे दें। संकेत जी डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे बेस्ट है, उसके बाद उस पर सवाल उठाए जाएंगे बेस्ट नहीं है, हम आज की बात करते हैं। देखिए आज हम, चलो हम राइट टू हेल्थ बिल की हम बात कर लेते हैं। हाँ प्लीज। जो बिल आया है, इस बिल में एक पुअर जो पीपल ऑफ राजस्थान है, जो आम आदमी है, उसके लिए स्वास्थ्य की चिंता की गई है और इसको एक लीगलाइजेशन किया गया है। इसमें मैं नहीं सोचता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे चिकित्सक बंधुओं को बुलाया गया था सरकार के द्वारा, इसमें बार बार इसमें डिस्कशन भी हुआ है, उसके हिसाब से उनको कर दिया गया है। मेरा ये मानना है कि ये जो बिल है ये राजस्थान की जनता के हित में है, और राजस्थान अगर ये बिल लागू हो जाता है, राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर ये एक लीगलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कर दिया जाएगा, और इसमें हमें इसका स्वागत करना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो मेरे चिकित्सक बंधुओं को जिसमें यहाँ डाउट लग रहा है, गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट मेरे पास जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया, उस डॉक्यूमेंट में इनके हर एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। अगर फिर भी इनको बात है तो ये डायलॉग से बात क्लियर हो सकती है। डेफिनेटली अगर हम आपस में डायलॉग करेगी सरकार और चिकित्सक, हम मिलकर बातें करेंगे। अब मैं तो राखी राठौड़ और अंशुल अभिजीत के पास आना चाहता हूँ। अंशुल जी, पहले आपसे जरा पूछ लें, क्योंकि राजनीति के दायरे में ये बात आ गई है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा नोबल कॉज लेकर के आप आए? वो बात अलग है कि आपकी सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद ये प्रस्ताव आया इस एकदम चुनावी साल में, लेकिन देखिए नेक काम करने का कोई समय नहीं होता, कर देना चाहिए, लेकिन वो नेकी आप किस तरीके से करें कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर बातचीत ना हुई हो, कोई समझौते पर ना आए हों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने ना समझी हो, और उसके चक्कर में आज देखिए लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों का आप भला करना चाहते हैं उन्हीं का भला नहीं हो रहा। संकेत भाई, ये सियासी दायरे में आना नहीं चाहिए बिल्कुल। एक तरफ तो मैं राजस्थान सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और एक तरफ मैं अफसोस भी जाहिर करना चाहता हूं कि इतने सारे डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक तरह से राज्य सरकार ने ये एक स्वीकार किया, ये कहा है कि ये मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार को कानून में उसको बदला भी है। तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, एक नया मॉडल है, एक नई दिशा में ले जाता है जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है, प्रबुद्ध है, और जो इसकी प्रशंसा कम कहूं मैं वो कम होगी। देखिए बहुत सारी इसको लेके गलत फहमियां भी हैं, एक गलत धारणा है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं, स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो एक बात यह है कि ये लोग डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई इस पे जो निजी क्षेत्र है इसमें बोझ बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। कुछ आंकड़े सामने आए हैं, राज्य सरकार ने दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब इमरजेंसी होता है, जब कोई ओपीडी में जाता है, तो 90% लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं, निजी अस्पताल में नहीं जाते, तो कहां से इनका ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ये अभी एक जो गलत धारणा है इसको सुलझाने की जरूरत है, वो बातचीत के साथ होगी, वो वार्तालाप के साथ होगी। दूसरी बात यह है कि यहां पर व्यवसाय में फर्क पड़ेगा, एक कमर्शलाइजेशन जो है हॉस्पिटल का निजी अस्पताल में, उसमें उसको फर्क पड़ेगा। मैं ये बता दूं कि यहाँ राजस्थान में संजीवनी योजना पहले से चल रही है, जिनको नहीं मालूम है संजीवनी योजना बीमा योजना है, जहां पर 25 लाख तक यहां पर मुफ्त इलाज हो सकता है। देखिए वहां पर चल रही है, पहले से चल रही है, वहां पर 900 निजी अस्पताल इसमें एम्पैनल्ड हैं, और पिछले साल यहां पर उनको भुगतान प्राप्त हुआ करीब 1400 करोड़ रुपए का, 60% इसके बजट का भुगतान वो निजी अस्पतालों में गया, लेकिन ये कम नहीं होता है। देखिए सेंट्रल स्कीम्स भी चलती हैं, CGHS भी चलता है, इसी तरह जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, उनके लिए होता है ये भी सेंट्रल स्कीम्स। ऐसा होता है कि आप भुगतान बाद में देते हैं, वो इनपैनल्ड अस्पताल होते हैं, निजी अस्पताल भी होते हैं और प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं, सेंट्रल स्कीम्स भी चलती हैं। लेकिन आप, मैं देखिए अंशुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राखी राठौड़, ये जो स्थिति है अभी राजस्थान में जी, इसको सुलझाने की जिम्मेदारी किसके सिर पर है?
जाहिर सी बात है, आज उन डॉक्टरों को सोचना चाहिए जो कि सड़क पर उतरे हुए हैं, वो कहते हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश आज की डेट में एक बहुत ही मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। सोचिए सारी क्लिनिक बंद, सब कुछ बंद, ऐसे कैसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था चलाएंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संकेत जी। ठीक करने का जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को सबसे पहले स्टेक होल्डर्स जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेना था। जैसे संजीव गुप्ता डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इन्होंने कई बार मीटिंग की लेकिन सुनी सबकी, करी मन की। ऐसी ही बात असेंबली में भी हुई। हमारे एमएलएज ने कई बार इस पे ऑब्जेक्शन किया कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल होने चाहिए और जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अभी जिस योजना के बारे में डॉक्टर अंशुल बता रहे थे, उसका नाम संजीवनी नहीं, उसका नाम चिरंजीवी है। और 14,000 करोड़ का, 1400 करोड़ का जो पेमेंट सरकार ने दिया, मैं बताऊं आपको डेटा आगे, बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 2,000 करोड़ का ट्रीटमेंट किया है जिसके एवज में उन्हें 1400 करोड़ रुपए मिले। मेरा डेटा आप चेक कर लीजिएगा इसको डॉक्टर अंशुल जी, क्योंकि जो रेट्स है वो फिजिबल नहीं है। जिस तरह की रेट, जिस तरह के पैकेजेस बनाए गए हैं चिरंजीवी योजना में, उसमें कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या तो एनरोल्ड ही नहीं है, और जो एनरोल्ड है वो इतने कम जो अमाउंट है उसके अंदर इलाज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट मत दीजिए। और आप खुद सोचिए संकेत जी, अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस होता तो ये जो आरटीएच है इसमें खूब अच्छे से आगे बढ़ के डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अनाउंसमेंट बहुत सारे किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पे हमेशा फेल होते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत जी को कहा जाता है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं है, और इसीलिए इनकी सरकार जब आती है उसके बाद राखी जी पहले 56 पर 21 पे। आप ये बताइए, आप राइट टू हेल्थ, आपकी पार्टी राइट टू हेल्थ का समर्थन करती है या नहीं? क्या हर इंसान के पास ये हक होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम समर्थन करते हैं उस सोल्यूशन का जिसमें सभी लोगों को सही तरीके से ट्रीटमेंट मिले, और डॉक्टर्स जो है उनको भी, स्टेक होल्डर्स को भी इसमें लूप में लिया जाए, उनको भी अपनी बात कन्वे प्रॉपरली की जाए, और उसके बाद प्रॉपर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे राजस्थान में की जाए। राजस्थान में जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस उनको स्ट्रेंथन किया जाए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आपसे कंसेशन में लैंड लिया हुआ है या कोई फैसिलिटी सरकार से अवेल करके, पहले उन पर इंप्लीमेंट किए जाए, फेजेस में इस पूरे प्रोजेक्ट को लाया जाए, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम वो ये ना, ऊपर से एक तुगलकी आदेश आ गया और उसके बाद में नीचे इंप्लीमेंट हो ना हो। और आपने देखा प्रसादी लाल जी का किस तरह का स्टेटमेंट था, किस तरह की एरोगेंसी उनके मुंह से झलकती, उन्हें नजर नहीं आता कि राजस्थान में जनता कितनी परेशान हो रही है। लेकिन वो फिर वही बात, देखना ये होगा, गलत चीज है, करने चले अच्छा। और ये कानून जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी डॉक्टर हो, सब कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इन प्रिंसिपल सब तैयार हैं, लेकिन वास्तविकता आज ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ये सवाल आज सरकार भी अपने आप से पूछे और वो डॉक्टर भी पूछें जो कि हड़ताल पर बैठे हैं और अस्पताल में नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2017 की गर्मियों में भारत, भूटान और चीन की सीमाओं से लगे विवादित डोकलाम इलाके में करीब 2 महीने तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। उस गतिरोध के 6 साल बाद भूटान के प्रधानमंत्री लाटे शेरिंग का एक ऐसा बयान सामने आया है जो भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करता है। भूटान के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ऊंचाई पर स्थित डोकलाम पठार के विवाद को सुलझाने में चीन की बराबर की भूमिका है। यह पहली बार किया है उन्होंने, जबकि भारत यह मानता है कि डोकलाम भूटान का हिस्सा है और इस पर चीन ने गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है। तो सही मायने में डोकलाम को लेकर के अगर कोई चर्चा होनी चाहिए तो भारत और भूटान के बीच में होनी चाहिए। भारत डोकलाम इलाके में चीन के पैर पसारने के पूरी तरह खिलाफ है। 2017 में भारत और चीन के बीच यहां जो गतिरोध पैदा हुआ वो युद्ध तक बदल सकता था, इतनी बुरी स्थिति थी। तब से इस इलाके में भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के काफी करीब डटी हुई। तो आइए इस मुद्दे पर पहले भूटान के प्रधानमंत्री के बयान को और उस बयान की गंभीरता को कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पर जरा हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, फुल फ्रेम ही रखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ये डोकलाम पठार है जो हमेशा से भूटान का इलाका माना जाता रहा। ये जो आप लाल पट्टी देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसके उत्तर में चीन की चुंबी घाटी, वो वाला इलाका टॉप पर जो आप देख रहे हैं, और इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम राज्य है, ये अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये डोकलाम पठार पर ये वो ट्राई जंक्शन है जो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये वो मीटिंग पॉइंट है
जहां पर भारत चीन और भूटान की सीमाएं आकर के मिलती। भारत नहीं चाहता है कि यह स्थिति किसी भी हाल में बदले, हम यथास्थिति चाहते हैं, जो बॉर्डर है वो रहे। लेकिन चीन इस ट्राई जंक्शन को 7 किलोमीटर उत्तर से इस बिंदु यानी कि माउंट गिम्पोची तक लाना चाहता है, नीचे ले आना चाहता है। मकसद क्या है उसका, अब आप जानिए। अगर ऐसा होता है तो पूरा डोकलाम पठार चीन के कब्जे में आ जाएगा, जो कि भूटान की टेरिटरी थी, वो चीन के हिस्से में आ जाएगा, और ये भारत को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। इन हालात में भूटान के प्रधानमंत्री लाटे शेरिंग का बयान भारत के लिए चिंता बनकर आया है। भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि डोकलाम की स्थिति को सुलझाने के लिए चीन बराबर का भागीदार है। इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को बेवजह एक जगह दे दी। अब सोचिए, एक अजीब सी स्थिति कि अपने देश के एक हिस्से में उन्होंने चीन की दखलंदाजी, चीन को भी उन्होंने पार्टी बना ली। उन्होंने बेल्जियम के एक अखबार को कहा है कि सिर्फ भूटान अकेला इस समस्या को नहीं सुलझा सकता, इसमें हम तीन हैं, तीनों बराबर देश हैं, भूटान तैयार है, जैसे ही बाकी दो पक्ष तैयार होंगे हम विचार कर सकते हैं। लेकिन यह बयान भारत के लिए, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि डोकलाम का भविष्य तय करने में चीन की कोई भी भूमिका हो। इसकी वजह यह है कि अगर चीन को डोकलाम मिला तो वो रिज पर पहुंच जाएगा। क्या है रिज, इसके लिए हमको वापस उन तस्वीरों पर जाना पड़ेगा। इसे झामेरी रिज कहते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर चीन यहां आए तो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की सीधी नजर में होगा। ये वो चिकन नेक इलाका है जहां से बाकी भारत पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ता है। एक बहुत छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, यहीं से सड़क जाती है, और चीन की नजर फिर अगर उसने डोकलाम पे कब्जा कर लिया तो झामेरी रिज तक पहुंच जाएंगे, और वहां से माउंट गिम्पोची से वो सीधा चिकन नेक को देख सकते हैं। और अगर उनके मंसूबे खराब रहे, जैसे कि हमने अक्सर देखा है रहते हैं, तो वो हमला भी कर सकते हैं। और इसी चीज की चिंता भारत को सताती है, और वो देख रहे हैं कि एक स्थिति ये ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। 2017 से ही चीन लगातार भूटान पर दबाव बनाए हुए, उसकी सीमा से छेड़छाड़ कर रहा है। चीन भूटान की सीमा पर डोकलाम पठार के साथ कई गांव बसा चुका है। ये ऐसा ही एक गांव है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आमुचू नदी के किनारे ये गांव बसाया गया, ब्रांड न्यू गांव। 2017 में जिस जगह भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई हैं, उस जगह से ये महज 10 किलोमीटर दूर। इसके दक्षिण में चीन का एक और निर्माण आप देख सकते हैं, ये आमुचू नदी पर चीन का बनाया हुआ एक पुल है। उपग्रह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चीन की करतूत आपके सामने सबूत के तौर पर पेश करती है। ऐसे में भूटान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन से लगी सरहद पर हमें बड़ी समस्याएं हैं, बल्कि कुछ इलाकों को ठीक से चिन्हित नहीं किया गया है, एक दो बैठकों के बाद हम यहां सीमा तय कर पाएंगे। ऐसे में दिल्ली की करीबी निगाह, एकदम करीब निगाह इस बात पर रहेगी कि वो सीमा या वो लकीर नक्शे में कहां खींची जाएगी। इस इलाके में तय होने वाला कोई भी नक्शा भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीधा सीधा उसको प्रभावित करता है। आइए अब सुनते हैं कि कॉमोडोर उदय भास्कर, जो कि सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनका इस पर क्या कहना है। भूटान का प्रधानमंत्री का जो बयान आया है भारत चीन और भूटान के बारे में, ये काफी अहम है और इसके कई सारे मायने हैं। सबसे जो मेरे व्यक्तिगत राय में जो गंभीर है वो है इसके जो सामरिक पहलू है, अर्थात ये कि अभी तक भूटान जो है भारत के साथ एक बहुत करीब प्रकार का एक संबंध था, और जहाँ तक भूटान का जो विदेशी मामले जितने भी थे वो भारत के एक प्रकार से गाइडेंस से हो रहा था। अभी जिस प्रकार से ये बयान आया है इसको निगरानी से समीक्षा करना होगा, और ये भी देखना होगा कि भूटान के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जो
भारत भूटान का जो द्विपक्षीय रिश्ता है, खास क्षेत्रीय मामलों के ऊपर, ये जो टेरिटोरियल वाला डिस्प्यूट जो चल रहा है चीन के साथ, और जो ट्राई जंक्शन है जहां डोकलाम है, इसके बहुत ही एक सामरिक अहमियत है। और अगर भूटान ने इस प्रकार का पहल किया है तो जो अभी तक एक प्रकार से विपक्षी था, अर्थात भूटान और भारत के बीच में एक संबंध था, और ट्राई जंक्शन के बारे में अभी तक भारत की बातचीत केवल चीन के साथ हो रहा था, और एक प्रकार से भूटान की जो राय थी वो भारत के साथ संतुलन था, अभी ये जो नया ढांचा बन रहा है, इशारा है, इसको बहुत निगरानी से देखना होगा। तो एक ये सामरिक पहलू है, क्योंकि इसके कई सारे नतीजे होंगे भारत के लिए भूटान के साथ, और क्षेत्रीय दायरे में भी, जहाँ तक दक्षिणी एशिया और चीन के साथ जो भारत के संबंध है। तो संक्षेप में, एक है सामरिक पहलू, स्ट्रेटेजिक वाला, दूसरा है जो सैनिक या मिलिट्री और टैक्टिकल जो कंसिडरेशंस या उसके कई सारे ऐसे नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि डोकलाम का जो लोकेशन है भारत के लिए, खास ये चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहते हैं, उसके कई सारे सैनिक या टैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। और आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स और एक सारस की दोस्ती की कहानी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी है। हमने ही उसको कई बार यहां पर कवर किया। पिछले दिनों वन विभाग ने इस सारस को मोहम्मद आरिफ से लेकर कानपुर के एक चिड़ियाघर में भेज दिया। भेजा भी जाना चाहिए था, क्योंकि वो पालतू पक्षी नहीं है, आप उसको घर में नहीं रख सकते, एंडेंजर्ड स्पीशीज। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि यह सारस वहां ठीक से खाना नहीं खा रहा है। चिड़ियाघर के अधिकारियों को उम्मीद है कि सारस जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस बीच वन विभाग ने 35 साल के मोहम्मद आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, जिसने अमेठी जिले में इस घायल सारस को बचाया था और पूरे एक साल उसकी देखभाल की। जो मेरा दोस्त है सारस, एक पिंजड़े में क्वारंटीन किया गया है, देखते ही आंखों में आंसू आ गए मेरे। कानपुर चिड़ियाघर के एक बाड़े में ये सारस क्रेन 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, यानी बाकी परिंदों से इसे अलग रखा गया है। वन विभाग का दावा है कि उसने इस सारस को 35 साल के मोहम्मद आरिफ से बचाया है। अमेठी के मोहम्मद आरिफ को पिछले साल फरवरी में ये सारस घायल हालत में मिला था। उसने साल भर इसकी देखभाल की। उसके बाद दोनों की दोस्ती की जो कहानी बनी वो सुर्खियां बटोरती चली गई। सोशल मीडिया पर इस दोस्ती का चर्चा हर जुबान पर था। इस बीच कानपुर चिड़ियाघर के अधिकारी चिंता में हैं। वहां भेजे जाने के बाद से सारस अब कुछ खा नहीं रहा है। सारस जो है, अभी जो मूल आहार है सारस का, वो इतनी मात्रा नहीं ले रहा है। उसको पका भोजन खाने की आदत है, तो उसको जो है धीरे धीरे, हम अभी तो क्वारंटाइन में 15 दिन रखा गया है, और हमारा ये प्रयास है, हमारे पूरी टीम का जो है, कि उसको नेचुरल फूड की ओर धीरे धीरे देते जाएं और उधर डाइवर्ट करें, तो वो उसको दिया जा रहा है और हमें आशा है कि सुधार आ जाएगा। व्यवहार उसका, खान पान वगैरह सामान्य सारस की तरह भी नहीं है जो। लेकिन सारस और आरिफ की ये दोस्ती यूपी की सियासत में द्वंद की नई वजह बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिड़ियाघर में सारस की हालत पर ट्वीट किया, लिखा कि सारस उदास है, ये कैसा अमृतकाल है। इससे पहले अखिलेश यादव जाकर आरिफ और सारस से भी मिल चुके थे। जब वन विभाग सारस को ले गया था तो अखिलेश ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सारस को ले जाया गया है। अखिलेश आज आरिफ को लेकर सारस को देखने चिड़ियाघर भी पहुंच गए। सरकार सारस की आजादी छीनी, उसको उठा करके लेकर के पहले रायबरेली में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया। उधर आरिफ के खिलाफ केस करने वाले वन विभाग कहता है कि सोशल मीडिया से उसे सारस के बारे में पता चला और वन अधिनियम के तहत उसने सारस को छुड़ाया है, जल्द ही उसे जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा। कानपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक और खबर,
मध्य प्रदेश के वन विभाग की। क्या है ये कहानी, ब्रेक के बाद जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जंगलों में इन दिनों जंगल राज है। जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। कई हेक्टेयर जंगल को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। जंगलों की जमीन पर सरेआम अतिक्रमण हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि जब वन विभाग और पुलिस प्रशासन इन लोगों को जंगल से हटाने जाते हैं तो उन पर पथराव होता है। इस गंभीर परिस्थिति के बाद भी वन मंत्री जंगल में घुसे कब्जा करने वालों पर सख्ती नहीं समझाइश देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया पिछले 2 साल से चाहे कहीं भी रहें एक पौधा लगाते हैं। उनकी इस पहल ने सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन ये तस्वीर नेपा नगर तहसील के नावरा के जंगलों की है, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उन्हें रोकने गए सरकारी अमले पर अतिक्रमणकारियों ने तीर और गोफन से हमला किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और वन विभाग के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अरे रुको यार, अरे पुलिस प्रशासन को कोई है छुड़ी पहन लो, तुम जाके सब, तुम्हारे पास हथियार है ना, तुम्हारे पास सेफ्टी है। हमलावरों के पास बंदूक कुल्हाड़ी सब थे, पुलिसकर्मियों के पास भी, बस उसे चलाने की इजाजत नहीं। अकेले बुरहानपुर में पिछले 2 महीने में ही वन विभाग के कर्मचारियों पर 5 बार हमला हो चुका है। 11 मार्च को हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 मार्च को वन विभाग के दफ्तर में हमला कर 4 आरोपियों को छुड़ा ले गए थे। 28 नवंबर को बाकड़ी वन चौकी पर हमला कर 17 बंदूक और 652 कारतूस लूट लिए गए। 9 दिसंबर को CCF DFO के काफिले पर हमला कर दिया गया। 11 अक्टूबर को जामुन नाला के पास हमले में रेंजर सहित 8 वनकर्मी घायल हुए थे। सूत्र बताते हैं, जंगल में कब्जा कर बैठे लोगों ने करीब 60,000 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य में वनों की सुरक्षा में जुटे वन विभाग के कर्मचारी अपनी बंदूकें जमा करा रहे थे। दरअसल 9 अगस्त 2022 को खटियापुरा में वन अमले और आदिवासियों के बीच मुठभेड़ हुई। वन विभाग का आरोप था कि उन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया। आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उस पर लकड़ी चोरी के कई आरोप थे। अगले दिन वन कर्मियों पर ही हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया। विरोध में बंदूकें माल खाने में जमा हो गई। कर्मचारियों ने कहा कि वन विभाग ने उन्हें बंदूकें दी हैं तो किस काम के लिए। सरकार कह रही है जंगल पर कब्जा करने वाले लोग अपने हैं, जिन पर गोलियां नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस का मानना है ये वोट बैंक बचाने की कोशिश है। बंदूक के बल पर जंगल की सुरक्षा, इसके मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। ये हमारे कोई विदेशी दुश्मन नहीं है, हमारे अपने लोग हैं जो कहीं ना कहीं लालच में आकर के, गुमराह होकर के जंगलों की कटाई करने पर आमदा हैं। जमीन के लालच में कानून को हाथ में ले रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास शासन स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जारी है। समझाने के बाद, बात करने के बाद अगर वो नहीं माने तो फिर मजबूर होकर शासन को कठोर कार्रवाई भी करना पड़ेगी। वोट बैंक का ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से हम लोग लंबे समय से, खासकर जनजातीय बंधुओं के लिए जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने लाई, कोई दावा नहीं कर सकता। और इसलिए ये कहना और ये सोचना ही बेईमानी है कि हम वोट बैंक के बारे में विचार। इसी को कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज चल रहा है मध्य प्रदेश में, और जंगल कटना का मतलब यह है कि आदिवासियों पर सीधा हमला, और जंगल इस लेवल पे कट रहे हैं कि हमने बुरहानपुर में देखा कि वहाँ पिटाई हुई जो वनकर्मी थे उनके। हमने मांग की है कि वनकर्मियों को भी पुलिस से सस्त दिए जाएं, कोई सुनने वाला नहीं। ये आदिवासियों के खिलाफ है और माफिया को दे दिया है कि जंगल काटो और बेचो। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में हर साल औसतन 40,000 से 50,000 अवैध कटाई के मामले दर्ज किए गए हैं। जंगल पर कब्जा करने वालों से निपटने में वन कर्मियों पर पिछले साल 18 हमले की घटनाएं हुई, जिनमें 20 लोग घायल हुए और एक वन कर्मी मारा गया। एक और समस्या वन कर्मियों की कमी की है। मध्य प्रदेश में कुल
94,689 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है। राज्य में कुल 52,739 गांव में से 22,600 गांव या तो जंगल में बसे हैं या फिर जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए मुद्दा बहुत अहम है। प्रदेश का जंगल 8,286 बीटों में बटा है। एक बीट का दायरा 12 से 16 वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक वन रक्षक की तैनाती की जाती है। हालात ये हैं कि वन रक्षकों के 14,024 पदों में से 1,695 खाली हैं। इनमें से भी 4,000 से ज्यादा दफ्तर और अधिकारियों के बंगलों पर सेवाएं दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में वन विभाग का नया मुख्यालय है। इमारत चकाचक है लेकिन विभाग की हालत पस्त। वन विभाग के अमले पर जो हमला हुआ है उस पर सियासी प्रतिक्रिया के अपने नफा नुकसान है, सो सरकार चुप है। लेकिन एक और अहम बात वो ये कि भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 45 के तहत आज भी वन बल को सशस्त्र बल घोषित नहीं किया गया है और हथियार चलाने के संबंध में जो धारा 197 है उसके तहत नियम तय नहीं हुए हैं। इसलिए कई बार वन बल को ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है और उनकी बंदूक चुप ही रहती है। बुरहानपुर से अपने सहयोगी शारिक और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।